इंतजार करे तो वही अवेयर करिए जिन्ना जे नारे जी आया धन्यवाद करते जो रेशम भाई ने इस मदरसे की सरदार इस मदरसे माशाल्लाह अल्लाह तआला ने जो कहता कबूल फरमाए भाई मोहम्मद रेशम साहब ने इसे कराए बड़ी खुशी की गल है और साडे पिंड दे माण दी गल है कि इत्थे शाही मां पंजाब मौलाना उस्मान साहब लुधियाणवी तशरीफ लिया ये कोई मामूली गल नहीं बहुत वड्डी गल है इस करके दोस्तों साडे कोल जिन्ना भी टाइम है हुण उस्मान साहब साडे कोल गलबात सुणगे असीं सारे ध्यान नाल सुणगे जिन्ने भी साथी है सारे बैठे और जिन्ने भी साथी आए हैं मैं उन्हां दा अपने मदरसे की कमेटी वालों और साडी सारिया कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद करदा मदरसा एजुकेशन सोसाइटी मलिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करन वाला है। अज ज़िला मोगा दे पिंड मलियां वाले दे विच जिहड़ा मदरसा तालीमुल कुरान साढ़े तालीमुल इस्लाम जिहड़ा चलदा पिया साढ़े अजीज़म जनाब रेशमदीन साहब इहनूं चला रहे ने उहदा सालाना प्रोग्राम है बच्चों के कुरान शरीफ के पढ़न का तो इसलिए अज इत्थे आना होया। इस दे नाल नाल मैं पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं एक गल बार बार असीं बेनती करते आ रहे हैं और सारे नूं मेरी गुजारिश भी है कि पंजाबी मां बोली जिहड़ी है उहदा जिहड़ा घाण हो रहा है वह सिर्फ सरकारां नहीं रोक सकदियां आपां सारे नूं मिल के अपनी मां बोली का सत्कार करना पएगा। पहली गल तां इह कि घरेलू बोलचाल जिहड़ी है उहदे विच पंजाबी मां बोली का चलन ज़्यादा होना चाहिए। व्यापारक जिहड़े संबंध ने उन्हें भी पंजाबी मां बोली लिखण दे विच होनी चाहिए सिक्ख्या इदारियां दे विच भी होनी चाहिए। हमेशा इस गल नूं याद रखो जिहड़े भी खिते होंदे ने कौमां होंदियां ने या जिहड़े भी लोग होंदे ने उन्हां दी रवायतां जिहड़ियां उन्हां दी मां बोली दी वजह नाल कायम रहिंदियां ने इसलिए मां बोली नूं किसी भी तरीके दे नाल अणगोलिया नहीं जाना चाहिए। तो सानूं सब नूं इह चाहिदा चाहे वह पंजाब च लहिंदे च होण चढ़दे च होण चाहे यूरोप च होण चाहे कनेडा च होण पूरी दुनिया च जिथे भी पंजाबी वसदे ने उन्हां नूं पंजाबी मां बोली जिहड़ी है वह पहल के आधार से अपने बच्चों नूं सिखानी चाहिए और आप अपनी जिंदगी च बोलनी चाहिए जी। कुछ मतलबी लोग कहिंदे ने भी मुसलमानां नूं इत्थों कढो हिंदुआं नूं घरों कढ-कढ मार सरदारां नूं घरों कढ-कढ के मारांगे की कहना है इस बारे। इदां है ना कि मैं पहला भी कई दफ़ा कहा है कि अगर आपां ऑनलाइन देखांगे तो हालात बड़े खराब है ऑफलाइन देखो तो आप बड़े आपस भाईचारा बनया होया। सिर्फ ऐसे लोग हमेशा नफरत की गल वो लोग करते हैं जेडे कि ना कि अपना जोड़ा वजूद जोड़ा वह बचाना चाहते हैं। पंजाब की जी धरती है धन धन गुरु नानक देव जी की धरती और सांझी वार्ता का संदेश देने वाली धरती है। पंजाब ही ने पूरे देश में हमेशा भाईचारक सांझ सिखाई है। पंजाब की धरती के उत्ते रह के ये किसी नूं कहना कि नहीं किसी नूं घरों कढ के मारांगे या किसी का यह कह देना कि असी दरबार साहब के उत्ते कुछ करांगे तो मैं समझदा कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाली गल्लां और बहुत ही गंदी सोच की गल है और ऐसे लोगों नूं चाहिदा है कि वो जिहड़ा भी वो प्रैक्टिस करना चाहते कुछ कि असी इहदे नाल समाज दे विच लोगों नूं वंड पावांगे तो हुकूमत नूं भी चाहिए कि उन्होंने कार्रवाई करे। तो पंजाब जिहड़ा है शुरू तो सांझी वार्ता का प्रतीक रहा है तो मैं समझदा पंजाब के लोग जिहड़े ने कभी भी नफरत की गल दे विच नहीं आणगे। अमृतपाल बारे तुसीं की कहना चाहोगे वो अमृत संचार लोगों नूं करा रहा कुछ गर्म लफ्जा विच भी लोगों नूं बोलिया सरकारां दे सूल वांगू चुभ रहा। देखो मैं हमेशा असी सोच रखी है कि जिहड़ा पहली गल तो यह समझ लेना चाहिए कि ये जिहड़ी धरती है पंजाब जिहड़ा है वह पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी के नाँ तो पूरी दुनिया जाने जाता
और सारिया पातशाहियां ने इंसानियत का संदेश दिता, आपसी भाईचारक संदेश दिता और जड़िया बड़िया ला मिसाल कुर्बानियां दशमेश बिता दिया, उन्होंने भी कितने ना कितने नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। असी किसी भी शख्सियत से कोई विचार देने की बजाय हमेशा ये जरूर कहना चाहते, मैं कल भी अपने कुछ दोस्तों को कहा भी इस गलू तुम पंजाबी होने के नाते तो अपने जेहन के रखो कि पंजाब जड़ा है और सिख पंथ जड़ा है, पंजाब की चढ़ती कला के लिए सिख पंथ का हमेशा चढ़ती कला के रहना और इस रिवायतों का कायम रहना जड़ा है वो बहुत ही नहायत ही जड़ा है वो जरूरी है। पंजाब के जिन्ने भी लोग ने चाहे उस किसी भी धर्म के मनने वाले ने, उन्होंने हमेशा दरबार साहब नू सत्कार वजों देखा और पूरी दुनिया के वास्ते पंजाबियों लिए भी श्री दरबार साहब जड़ा है वो हमेशा ही मुहब्बत का अकीदत का जड़ा वो केंद्र रहा। तो इसलिए मैं तो यह कहना चाहना कि पंजाब जिन्ने भी लोग रहते हैं उन्होंने पंजाब की जड़ियाँ रिवायतें जोड़ा अमीर विरसा हैगा है वो उत्ते पैरा देना चाहिए और इस अमीर विरसे के जोड़ा धर्म भी है, इस विरसे आपसी भाईचारक सज भी है, मुहब्बत भी है, गरीबों की मदद भी है और जालिम के खिलाफ उठ के एक दूजे गल करिए 40 साल पिछे की पहला तो कभी भी कोई इदा किसी धर्म की बेदबी नहीं होंगी, कभी गुरु ग्रंथ साहब की हम बेदबी होने लग गई, कभी कुरान लैके देखो ये बहुत बदकिस्मती की गल है कि पंजाब की धरती से बरगाड़ी जदों होया हादसा जो बरगाड़ी का ये मैं समझदा कि बड़ी मतभागी गल है भी कुछ लोग अपनी सियासत दे ली ऐसी हरकत करते या इदा है कि पंजाब जड़ा है एक मजबूत खिता है पूरी दुनिया के लोगों अपने वाल अपने वाल लिया है तो बहुत सारिया ताकत ऐसा जड़िया हमेशा तो इस चक्कर च रही भी कितना कितने पंजाब को कमज़ोर किया जाए तो उन्होंने ताकत ने हमेशा कोशिश की कि लोगों आपस वंडिया जाए लेकिन हमेशा सानू इस जमीन के इस मिट्टी की जी खुशबू है और जी दसवें पातशाहियों ने जो इन्हों दर्श दिता है तो सानू हमेशा उतर रहा क्योंकि इस जमीन के उत्ते धन धन गुरु नानक देव जी की जी शख्सियत है और फिर शेख बाबा फरीद शकरगंज जी देखोगे, बाबा बुले शाह देखेंगे, सुल्तान बाहू न देखेंगे और अलग अलग ऋषि मुनिया देखेंगे तो पंजाब की धरती जी है वो किसी भी नफरत के बीज में जी है अपने अंदर कभी जज़ब नहीं होन देंदी। इसलिए मेरी सारे पंजाबियों एको ही बेनती है, मैं जी पहला भी की कि बहुत सारे लोग पंजाबी धर्म के आधार पर बनना चाहते हैं, पंजाबी साड़ी माँ बोली है, जब तक माँ को सत्कार नहीं देंगे कितने कामयाब नहीं होवेंगे। इसलिए सारे पंजाबियों चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म के नाल संबंध रखते हो कि वह पंजाबी माँ बोली अपने घर च अपने व्यापार च अपने सिक्ख्यक अदारियां दे विच लैके आने चाहिए। असी सिक्ख्यक अदारे पूरे पंजाब दे विच असी पहली गल तो यह कि इस गल नूं समझण दी लोड़ है कि जिहड़ी साडी अंग्रेजी तालीम है यूरोप की जिहड़ा तालीम का सिक्ख्यक का आधार है वह तुहाडे देश दे विच साडे शहरां दे विच ओल्ड होम बना रहा है। हमेशा याद रखो जिहड़ी तालीम असी स्कूलां च दिंदे पए अपने बच्चों को कहने भी कॉन्वेंट स्कूल जी दाखला कराना जी फलाने वड्डे स्कूल जी कराना है तुसी कि यूनिवर्सिटी है जरा दिखाओ जिहड़ा कहिंदा होवे भी माँ प्यो का सत्कार करियो, किहड़े कॉलेज वाले ने तुहानू कहा कि भी किसी दे नाल ठगी ना मारियो, कैरीयर के नाते लोगों नू इह समझाया कि अगे किद्दां वधना, दूजे दे उत्ते मोढ़े ते पैर रख के किद्दां उहनू थले दब देना, आप अगे किद्दां जाना, ठगी किद्दां मारनी, अजकल चलाकी नू और महारत का नाम दे रहे ने। इस धर्म की जिहड़ी सिख्या मैं सारे हिंदू सिख भरावां भी कहना उन्हें अक्सर कि भाई जे बच्चे का कैरियर बनाना करैक्टर बनाने की तो गल करो ना, करैक्टर तो धर्म च बनना, जे तुसी अपने बच्चे नूं वधिया स्कूल च पढ़ाने हो तो की उन्हूं तुसी सवेरे शाम गुरुद्वारे मंदिर या मस्जिद भेजते पे हो, अगर तुसी उन्हूं धर्म की सिख्या नहीं दिती उन्हें पढ़ लिखे कनेडा ही जाना पिछे तुहाडे वल वापस नहीं देखना उन्हें। धर्म ही है जिहड़ा तुहाडे बच्चे नूं कैरियर दे नाल करैक्टर सिखाएगा, तुहाडे बच्चे च ये गल पैदा करेगा कि माँ बाप का सत्कार करना, ईमानदारी नाल जीवन जो गुजारना, अपने मुँह दे नाल दूजे दे मुँह च नवाला पाना, ये सिर्फ धर्म ने ही सिखाना है। और मदरसियां दा ये कमाल है पूरे भारत दे विच कि तुसी इहदी अगर सर्वे करना तो किसी ओल्ड होम च जाओ, मदरसे दे पढ़े होयां दा कोई माँ बाप तुहानूं किसी ओल्ड होम च नहीं मिलेगा और होलसेल च तुहानूं अंग्रेजी तालीम हासिल करन वालिआं दे माँ प्यो जिहड़े ओल्ड होम च मिलणगे। पंजाबी पढ़ाने ताइयों तो मैं तुहाडे सामने इन्नी वधिया पंजाबी बोल रहा, लिखा भी लो मेरे कोलों, साढ़े जिन्ने मलेरकोटले भी बड़े मदरसे है बकायदा पंजाब सिक्ख्या बोर्ड के असी पेपर दवाने हर साल बच्चों जिदा ये बच्चे प्राइमरी तो बाद अगे जाएंगे जिहड़ा भी नेड़े का स्कूल होएगा उत्थे पंजाब सिक्ख्या बोर्ड के तहत जो है वो पेपर देंगे। कितने नहीं लग रहा जी ये हिंदू धर्म के आड़ के हिंदुत्व मूहरे दे रहे हैं कुछ पार्टी को। देखो गल एको मुख की गल यह है कि जिन्हों सत्ता चाहिए है ना वो धर्म का दुरुपयोग कर। मेरा मानना यह है कि नवी सरकार बनी है तो बहुत सारे लोग जिहड़े है जिद्दां ही नवी सरकार बनी उस तो बाद ही कुछ ना कुछ हादसे जिहड़े है
वह होने लग पे। बहुत सारे लोग अपना वजूद का कायम रखने की एक प्रैक्टिस करते पे है, लेकिन अगर ऑफलाइन असर आ जाइए, हुण आपां ऑफलाइन जिथे खड़े हैं तो तुसी हिंदू हो, मैं मुसलमान है, सिख है, वो ईसाई है, आपस की जी ग्रास रूट दे नहीं, उही तो मैं दसन जा रहा ना जी, अलग अलग धर्मां दे होण दे बावजूद असी इंसानियत दे नाते एक दूजे दे नाल प्यार मुहब्बत नाल खड़े। इहदा मतलब है कि ऑनलाइन हालात ज़्यादा खराब है, ऑफलाइन पंजाब जिहड़ा है कितना ना कितना वधिया चल रहा है।